सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। दबंग क्रैशर संचालक ने कवरेज करने गए पत्रकार को बंधक बनाकर की मारपीट। जनपद झांसी में लगातार पत्रकारों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर मौन बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर हबूपुरा स्थित दबंग क्रैशर संचालक के हौसले बुलंद बने हुए हैं। कवरेज करने गए पत्रकारों पर किया जानलेवा हमला किया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए फर्जी तरीके से पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही थी। खबरें प्रकाशित होने के कारण उक्त क्रैशर संचालक बौखलाया हुआ था। क्रैशर संचालक ने योजनाबद्ध तरीके गरौठा के पत्रकार को बुलाया, जिस पर मिलन परिहार अपने क्षेत्र के सीनियर पत्रकार शशिकांत तिवारी को लेकर गए, जहां पर क्रैशर संचालक ने एक पत्रकार को बंधक बनाकर रखा और एक पत्रकार के साथ बेरहमी से मारपीट कर मरणासन कर दिया, जिसकी वजह से पत्रकार मिलन परिहार की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना को लेकर पत्रकारों में रोष व्याप्त है। वहीं दबंग क्रैशर संचालक द्वारा पुलिस से सांठगांठ करके पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मिलन। आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस संबंध में सत्य घटना क्या है? क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार क्रैशर संचालकों के खिलाफ मुहिम चला रहा हूँ, खबर चला रहा हूँ कि जो लोग अवैध खनन करते हैं, इसकी सूचना मैंने खान अधिकारी को भी दी थी। उसके बाद मैंने IGRS पोर्टल पर शिकायत की, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा, IDI जांच मांगी। आज मुझे जानकारी हुई कि ब्लास्टिंग होने वाली है, तो मैं कवरेज करने ब्लास्टिंग के लिए क्रेशर गया। मेरे साथ साथी पत्रकार शशिकांत तिवारी जी भी थे। तो क्रेशर संचालक आए, हमारा मोबाइल छीना, हमारी बाइक छीन ली और मुझे घसीटते हुए अपने ऑफिस में ले गए। वहाँ मेरे साथ लोहे की छड़ों से मारपीट की और मुझसे बोले दारू पियो, हमने पीते हैं। तो उन्होंने बहुत मारा, दारू पिलाने का प्रयास किया गया, मैंने दारू नहीं पी। उसके बाद हुआ क्या कि क्रेशर संचालकों ने षड्यंत्र का रचा, एक महिला को बुलाया, महिला से हमारे साथ बदतमीजी कराई, वो खुद भी मारा। आप देख सकते कितनी गंभीर चोटें आई हैं। क्रेशर संचालकों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पर क्रेशर संचालक चाह रहे थे कि हम इन्हें फंसा दें। कई जगह मारा है, अंदरूनी चोटें भी हैं, पाँव से टूट चुका है और पुलिस भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, लोग कहते हैं न्यायप्रिय काम करते हैं, हम पत्रकार साथी भी खबर पे लगाते हुए उनके ही ताकत से कहते थे अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं इच्छा मृत्यु के लिए तत्पर हूँ। इनकी सब है, जे 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 मरा वाली है। चेहरा खोलो, चेहरा खोलो। हाँ, तुम्हें जाना, हम जाना, तुम्हें जाना, तुम्हारे धन, आपके धंधे जाना, आपके धंधे सब पते हैं। कप्तान चाहे पुलिस मिली है, 1.5 घंटा तुम फोन लगा रहे, फोन अबे कहाँ तुम्हारी तिवारी को तो आराम से सा सम्मान देखो, जो 5 टोट दारू कहाँ है तिवारी, देखो जे मारो की नहीं है, देखो मारो की नहीं है। जय सुशील गुप्ता के विपिन गुप्ता आते और 3-4 लोग और आते और जे को है पल मारी, जे बाद में आई भूखा चीख पूरी पूरी क्रेशर की, क्रेशर की फुटेज निकाल लो। सुशील गुप्ता ने कितने पैसा लाया आपका? अबे सुशील गुप्ता को फोन आओ, उनके नंबर पे बल दो ना, फोन ले लो। सुशील गुप्ता ने कितने पैसा लाया आपका? मोबाइल में तुम्हारा नंबर नहीं है सुशील गुप्ता का? नहीं है, जांच करूंगा मोबाइल की। भैया 3 दिन से सुशील से बात नहीं हुई आपकी? नहीं भाई, मोबाइल पे बात नहीं। जब सुशील की गाड़ी से क्यों आई आप? सुशील की गाड़ी से क्यों आई? गाड़ी को नंबर लगा, गाड़ी गुप्ता सुशील गुप्ता की है। सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।